सो हाई एवरीवन, दिस इज गौरव बैनर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल कॉलेज वाला। तो डब्ल्यू विजय कॉलेज एबी सीरीज में हमने ऑलरेडी चार कॉलेजेस को कवर कर चुके हैं, जो कि IIM, हीटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोमेन, सॉल्ट लेक एंड HIIT, ये सारे कॉलेजेस को हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन ये सारे कॉलेज ही प्राइवेट कॉलेजेस है, तो हमने अभी तक एक भी गवर्नमेंट कॉलेज को कवर नहीं किया है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक गवर्नमेंट कॉलेज को, जो कि प्लेसमेंट के हिसाब से जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद में ही आता है, एंड जिसका नाम है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको आप KGSE के नाम पे जानते हो। तो आज की इस वीडियो में हम KGSE का हर एक टॉपिक कवर करेंगे, उसका प्रोज एंड कॉन्स, एडमिशन प्रोसीड्योर, फीस स्ट्रक्चर, प्रीवियस ईयर कट टॉप्स, कोर्सेस, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग्स एंड फैकल्टीज, ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करके पूरा वीडियो जरूर देखना, एंड आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज का वीडियो पाने के लिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम चला जाएगा। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि पास में DJ चल रहा है तो आ रहा है, तो इसको टोटली इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद फिर एक बार आके वो सुन लेना। तो चलो यार, पहले KGSE का डिटेल्स जान लो एंड उसके बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेना इसके साथ। तो KGSE पे आप एडमिशन ले सकते हो दो तरीके से, एक आप फर्स्ट ईयर पे एडमिशन ले सकते हो WVJEE के थ्रू, एंड आप सेकेंड ईयर पे डायरेक्ट लेटरल एडमिशन ले सकते हो GLET एग्जाम के थ्रू, जिसके लिए आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए या फिर 10+2 वोकेशनल के बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज में आपको 5 कोर्सेज मिल जाएंगे बीटेक के लिए, जो कि है CSE, EC, IT, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इस कॉलेज में आपको सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कॉलेज में कोर्सेज के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है, जैसे कि CSE एंड EC के लिए फीस स्ट्रक्चर है 6000 पर सेमिस्टर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए फीस स्ट्रक्चर है सिर्फ 3000 पर सेमिस्टर, एंड IT के लिए थोड़ा ज़्यादा है, जो कि है 12000 पर सेमिस्टर। एंड आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ज़्यादा लगता है, क्योंकि एडमिशन फीस एंड कुछ और चार्जेस भी रहता है, तो इसके लिए आपका 3000 या फिर 4000 और एक्स्ट्रा लगता है सेमेस्टर फीस के साथ। एंड उसके बाद अगर PBS या कट ऑफ की बात करें तो 2019 का कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो CSE के लिए कट ऑफ गया था 1502, EC के लिए कट ऑफ गया था 2180, IT के लिए कट ऑफ गया था 2933, WE के लिए कट ऑफ गया था 2925, एंड मैकेनिकल के लिए कट ऑफ गया था 3553। मतलब आपको इस कॉलेज पे CSE के लिए आपका रैंक 1500 से नीचे होना चाहिए। उसके बाद अगर फैकल्टीज की बात करें तो इस कॉलेज का फैकल्टीज बहुत ही हेल्पफुल है, एंड आपके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, एंड इस कॉलेज का जो मेन चीज़ है, आपके इस कॉलेज में वर्कशॉप या फिर लैपटॉप बहुत अच्छा होता है। मतलब आप अगर हायर स्टडीज करना चाहते हो तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट गेट या फिर कैट के लिए सिलेक्ट होते हैं, मतलब टॉप 1000 रैंक पे इस कॉलेज का बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो आप अगर हायर स्टडी करना चाहते हो, MBA या फिर MTech या फिर जो भी करना चाहते हो BTech के बाद, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। उसके बाद अगर प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग्स की बात करें तो इस कॉलेज में ओवरऑल 80% प्लेसमेंट हो जाता है, एंड सिर्फ TCS पे इस कॉलेज का मैक्सिमम स्टूडेंट को, मतलब 40-50% स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाता है। एंड अगर प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करें, मतलब IIM, हेरिटेज या फिर टेक्नो से कंपेयर करें, तो IIM, हेरिटेज पे CS एंड IT का प्लेसमेंट अच्छा होता है, लेकिन कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट KGSE में बहुत अच्छा है। मतलब IIM, हेरिटेज या फिर टेक्नो से KGSE में कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो आप अगर कोर ब्रांचेस लेकर पढ़ना चाहते हो, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल लेकर पढ़ना चाहते हो, तो KGSE आपके लिए सही चॉइस होगा। लेकिन आप अगर CSE या फिर IT, EC लेकर पढ़ना चाहते हो, तो आपको अगर फीस स्ट्रक्चर को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप IIM पे एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर कुछ रिक्रूटर्स की बात करें तो इस कॉलेज पर इन्फोसिस, TCS, HCL, Wipro, Cognizant, Capgemini, Byju's, Microsoft, Google, IBM, Accenture, Amazon, PayPal, Expedia, Intel, Ola Uber, Tata Power, Tech System, ये सारे कंपनीज आ जाते हैं। एंड इस कॉलेज में अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो है 41 लाख, एंड CSE के लिए जो एवरेज पैकेज जाता है वो है 7.5 LPA। एंड अगर कोर ब्रांचेस के एवरेज पैकेज की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए एवरेज पैकेज जाता है 3-4 LPA। उसके बाद अगर इंटर्नशिप की बात करें तो इस कॉलेज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब आपका IIM या फिर टेक्नोमेन में क्या होता है वो सॉल्ट लेक पे है, तो आपके इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। आप सॉल्ट लेक पे कोई भी कंपनीज में जाके इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन ये कोलकाता से बहुत दूर है, तो इंटर्नशिप के लिए आपका प्रॉब्लम थोड़ा होता है CSE या फिर IT, EC डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद अगर हॉस्टल की बात किया जाए तो इस कॉलेज में आपको 4 हॉस्टल मिल जाएंगे BTech के लिए,
एक हॉस्टल है फर्स्ट ईयर के लिए, दो हॉस्टल है सीनियर बॉयज़ के लिए एंड चौथा हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। एंड आपका हॉस्टल का जो फीस है वो है 13,000 पर सेमिस्टर। उसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मतलब आपका फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत पुराना है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। एंड इस कॉलेज पे आपको बहुत अच्छा लाइब्रेरी एंड वर्कशॉप भी मिल जाएगा। एंड इस कॉलेज का जो मेन खासियत है, इस कॉलेज पे आपको बहुत सारे अलग अलग क्लास मिल जाएगा, जैसे कि आपको क्विज क्लब, लिटरेरी क्लब, आर्ट क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, मैथ्स क्लब, फोटोग्राफी क्लब, ऑटोमोबाइल क्लब, कोडिंग क्लब, डेवलपर्स क्लब, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, ये सारे क्लास मिल जाएगा। तो आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलम में इंटरेस्टेड हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद अगर कैंपस की बात किया जाए तो इस कॉलेज का कैंपस बहुत ही बड़ा है, मतलब 75 एकर्स का कैंपस है। तो आपका कैंपस लाइफ एंजॉयमेंट बहुत ही सही रहने वाला है इस कॉलेज पे। तो इस कॉलेज पे टोटल 5 मेन फेस्ट होता है, जिसमें से एस्पेक्ट टू मेन फेस्ट 3 से 4 दिन तक चलता ही है। एंड उसके बाद आता है ई समिट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप समिट। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद आता है एनुअल स्पोर्ट्स। एंड 4 नंबर पे आता है फ्रेशर्स पार्टी, जो कि बहुत ही अच्छा होता है इस कॉलेज पे। एंड जो और एक होता है वो है हॉल डे, मतलब ये सारे हॉस्टल का अलग अलग होता है। तो मेन जो चीज़ है इस कॉलेज पे आपका एकेडमिक्स के साथ साथ आपका कैंपस लाइफ एंजॉयमेंट भी बहुत सही रहने वाला है। तो आपको अगर इस कॉलेज पे पढ़ने का चांस मिलता है तो उसको मिस मत करना, मतलब आपको अगर इस कॉलेज पे कोर बेंचेस मिलता है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि IIM या फिर हेरिटेज पे ना जाके इस कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हो आप। या फिर आपको अगर CSE या फिर ITC लेकर पढ़ना है तो आपको अगर फीस स्ट्रक्चर को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप IIM पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से KGSE बेटर है कैंपस लाइफ के हिसाब से, या फिर कह सकते हो ओवरऑल प्लेसमेंट के हिसाब से। पिछले 2 साल में प्लेसमेंट थोड़ा डिक्रीज हो गया था लेकिन फिर भी अभी इम्प्रूव हो रहा है। तो आप डिसीजन आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, आप KGSE में एडमिशन लेना चाहते हो या अभी IIM में एडमिशन लेना चाहते हो। एंड मैं एक पार्टिकुलर KGSE वर्सेस IIM का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें से आपको हर एक कंपैरिजन मिल जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।